दिल्ली एनसीआर हरियाणा में बारिश का अलर्ट, पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी, अंबाला में ओले गिरे हैं, कई जगहों पर बारिश भी हुई है। लगातार बारिश से हरियाणा में ठंड बढ़ गई है, कहीं कहीं सूखी ठंड से लोगों को राहत, दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रहेगा। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, कई जगहों पर ओले गिरे हैं, लगातार बारिश की वजह से हरियाणा में ठंड बढ़ गई है, दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रहेगा, कहीं कहीं सूखी ठंड से लोगों को राहत भी मिली है। लगभग 2 से 4 दिन हो गए हैं बारिश का मौसम भी देखने को मिल रहा है, तो दिल्ली एनसीआर हरियाणा में आज भी बारिश का अलर्ट है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पहले ही कह दिया गया था कि 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक बारिश हो सकती है, और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर घना कोहरा अभी भी छाया रहेगा, यानी कि शीतलहर से भी राहत नहीं है, घना कोहरा छाया रहेगा, सूखी ठंड से कहीं कहीं राहत है, दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रहेगा। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में बारिश का अलर्ट, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो अंबाला में कई जगह पर ओले गिरे हैं और कई जगहों पर बारिश भी है, लगातार बारिश से हरियाणा में ठंड बढ़ गई है। लाजपत संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए सोनीपत से। लाजपत, सोनीपत में ठंड के क्या कुछ हालात हैं, क्या लोगों को थोड़ी राहत, किस तरह का मौसम वहां पर देखने को मिल रहा है, पूरी जानकारी। बारिश हुई है, दूसरे दिन मौसम साफ रहा है, आज तीसरा दिन है, तो मौसम आज और भी ज्यादा ठंड है, तो लगातार जैसे ठंड बदलती है, मौसम बदलता है, तो लोगों की लाजमी है कि तबीयत बिगड़ती है, लेकिन मौसम की वजह से देश पर व्यापार पर भी काफी बड़ा असर पड़ रहा है। अब नजदीक चुनाव भी है, तो सरगर्मियां जो है वो चुनाव की भी दिखाई देंगी, तो ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे लोगों की भी चर्चाएं बढ़ रही हैं, तो ठंड के साथ जो चर्चा है वो चुनावी चर्चा अब जारी हो चुकी है, क्योंकि चुनावी चर्चा इसलिए कि आग का सहारा लेते हैं, चार आदमी बैठते हैं और चुनावी चर्चा शुरू हो जाती है, तो चुनाव का जो दौर है और ठंड का जो प्रकोप है, तो ये चौतरफा जो है वो चर्चा शुरू हो चुकी है। अब ठंड पर लोगों का ज्यादा खासा ध्यान भी नहीं है, क्योंकि चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर पर जो ठंड के साथ जो आग जलाकर जो चर्चा होती है, ओके पर चर्चा होती है, जहां लोग ताश खेलते हैं वहां पर चर्चा होती है, तो लोगों की चर्चाएं जो है अब चुनाव पर ज्यादातर दिखाई देती है। बिल्कुल ठीक है। लाजपत, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, किसानों का क्या कुछ कहना है बदलते मौसम को लेकर, क्या उनके लिए फायदा है, नुकसान है, और दूसरी तरफ ये कि अब बारिश भी कहीं ना कहीं हो रही है, और 4 तारीख तक मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश वाले मौसम रहेंगे, तो क्या ठंड से थोड़ी राहत है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत एक ऐसा शहर है जहाँ पर अलग अलग देशों के लोग जो बसते हैं और अलग अलग राज्य के जो लोग हैं वो बसते हैं, लेकिन सोनीपत में विभाग की लापरवाही दिखाई देती है, क्योंकि चौक चौराहे जो रोड हैं उन पर सुरक्षा के जो इंतजाम होने चाहिए वो नहीं दिखाई देते, लेकिन दुर्घटनाएं ज्यादातर दिखाई देती है। किसानों की बात करें तो किसानों पर भी जो ये मौसम की जो बारिश हुई है ये सोने पर सुहागा हुई है, इससे काफी लाभ जो है फसलों को मिलेगा और सब्जियों को भी मिलेगा, क्योंकि मौसम जैसे जैसे बदलता है तो सब्जियों का जो दाम पर भी असर पड़ता है। अब जो इस बारिश से मौसम पर जो असर पड़ा है तो सब्जियों के दाम जो है वो भी अप डाउन हुए हैं, और जो गेहूं की फसल है उस पर तो सोने का सुहागा इस बारिश ने किया है, और अगर इस बारिश से ज्यादा बारिश होती है तो किसानों पर जो है नुकसान का भी असर दिखाई देगा, लेकिन गेहूं की फसल पर काफी लाभ दिखाई देगा, लेकिन व्यापार जो है वो काफी परेशान हो जाता है, आम नागरिक बारिश से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि चौक चौराहे जो रोड है उनकी व्यवस्था जो दिखाई नहीं देती, जो रोड के साथ से जो नाले होते हैं जिनमें गंद भरा रहता है और उनकी सफाई नहीं होती, तो पानी जो है वो रोडों पर खड़ा हो जाता है, जो टू व्हीलर वाहन होते हैं उनको ज्यादा परेशानी होती है जो अपनी रोजगार के लिए जाते हैं, और ऐसे में जब भी मौसम बदलता है तो लोगों की लाजमी है कि तबीयत बिगड़ती है। अब जहां कहीं ना कहीं जो 26 जनवरी के बाद
मौसम जब लगातार अपनी करवट बदल रहा है तो लोगों के लिए आफत बन चुकी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और वाकई जो गेहूं की फसल जिन किसानों ने लगाई है उनके लिए मौसम तो लाभदायी है, लेकिन दूसरी तरफ सब्जी वगैरह के दामों में उतार चढ़ाव अब देखने को मिलेंगे। और दिल्ली एनसीआर हरियाणा में अभी ठंड से राहत नहीं है, हालांकि बारिश हो रही है लेकिन ठंड भी लगातार बढ़ रही है। कुछ जगहों पर सूखी ठंड से राहत है, कुछ जगहों पर ओले गिरे हैं और बारिश जो है वो 4 तारीख तक देखने को मिलेगी।